بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل رب بنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولى المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون مجلس کیسے مطمئن نظر آتی ہے اور ہر گونہ استراب کو لیے ہوئے انسان یہاں پہنچ کر کیسا اپنے آپ کو ایک سوئی کے ساتھ کسی اچھی بات کے سوچنے پر آمادہ پاتا ہے. مجلس تجدید ہستی مومن ہے اور اس مجلس میں ہمارے بچوں کی، ہمارے بہنوں کی، ہماری لڑکیوں کی، ہمارے جوانوں اور ضعیفوں کی وہ تربیت کی ہے کہ ہزار درس گاہوں کی ہزار کتابیں بھی اتنی تربیت نہ کر سکتی. یہ مبالغہ نہیں ہے، تعلی نہیں ہے، خود ستائی نہیں ہے، یا ہم اپنے عمل کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے یہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. یعنی خود اس اجتماع پر عقل انسانی یا کوئی مکتب فقہی جو چاہے حکم لگائے، لیکن اپنی جگہ پر نتائجیت کے اعتبار سے کیا آپ کا دل یہ گواہی نہیں دے گا کہ اس مجلس نے ایک مستقل قوم میں ایک ایسا احساس بیداری پیدا کر دیا کہ جہاں ان کے بچے اپنے آپ کو اس تربیت کے ماحول میں دیکھتے ہیں،
उस तरबियत के माहौल में देखते हैं कि एक मजलिस में बैठकर दूसरी मजलिस के इंतजार तक वो अपने आप में एक अदब महसूस करते हैं, एक अदब महसूस करते हैं। यानी अगर दुनियावी सोहबतें कहीं उनको मजहब से बगावत पर आमादा करें, अगर बुरी मोहब्बतें उनको खुदाए कय्यूम लम यज़लो ला यज़ाल से दूर ले जाने की कोशिश करें, अगर बुरे दोस्त उनको गीबत पर आमादा करें, और अखलाक जमीमा की तरफ खींचें, तो सबसे बड़ा मजलिस का असर यह है कि पाबंदी से मजलिस में आने वाले अपने आप को बुरी आदतों से बचाने के लिए इसलिए बेचैन रहेंगे कि मजलिस में बैठकर वो जिन हस्तियों का मुसलसल जिक्र सुनते हैं वहां खाली फलसफा नहीं है, अमल है, वहां सिर्फ फिलॉसफी नहीं है बल्कि मुस्तकिल एक दर्स हयात, एक दर्स हयात। तो ये तसव्वुर या ये इजहार न बेवक्त है न नामुनासिब है। अगर हम ये कहें कि इन इज्तिमाआत ने हमारी दुनिया बदल दी है, हमें मारिफत इलाही का जज्बा पैदा किया है, हमें एहतराम रसूल के कैफियात भर दिए, हमको मिन हैसिल कुल एक ऐसी मोहब्बत से करीब तर कर दिया है कि जिस मोहब्बत खैर ने ये आज़म कर लिया है कि हम शर से बचें, जिस नेकी की मोहब्बत ने यह तय कर लिया है कि हम बुराई से दूर रहें। हमारे बच्चे अपना वक्त रायगा नहीं करते, हमारे बच्चे बुरी सोहबतों में नहीं बैठते, हमारे बच्चे गलत राहों पर नहीं चलते। और फिर आपने तो देखा होगा कि साल भर की गुफ्तगू क्यों करूं, मुहर्रम का चांद देखकर एक तवील मुद्दत के लिए हमारी औरतें हमारे बच्चे अपने आप को लहबो लाइफ से दूर रखते हैं। मैंने एक अजीब इशारा किया है, अपने आप को लहबो लाइफ से दूर रखते हैं। अब वो रस्म का जबर सही या मोहब्बत का लाजिमा सही कि रस्म मजलिस ने मजबूर किया है कि न जाओ बाहर, या लाजिमा मोहब्बत यह है कि हम ऐसा नहीं करें। तो इस तरह से हमने अपने आप को ऐसे माहौल में पाया जहां मजलिस तरबियत करती हुई आगे बढ़ती है। यहीं मजलिस में हम आयात कुरानी को सुनते हैं, उसकी तफसीर सुनते हैं, अहादीस सुनते हैं, अहादीस पर गौर व फिक्र करते हैं। इसी मजलिस में पता चला कि फिक्र को मुसलसल होना चाहिए, फिक्र को मरबूत होना चाहिए, इसलिए कि गैर मुसलसल फिक्र और गैर मरबूत अफकार इंसान को किसी न किसी मकाम पर धोखा दे जाते हैं। इसी मजलिस ने हिदायत की है कि देखो दुनियावी एतबार से अब जो चाहे करो, मगर उखरवी एतबार से इंसान पार्टी को नहीं बदलता। जिसका साथ देता है बार बार उसको तब्दील नहीं करता, आज उसका साथ दे दे, कल उसका साथ दे दे, फिर उसका साथ दे दे, सियासत में जायज हो तो हो। ये मजलिस ने बतलाया कि जिस माहौल में आंख खुली उसी माहौल में मर गए, वो आगाज वो अंजाम, कम से कम ये तसलसल हमारी जिंदगी का तो कोई देखे कि एक मोहब्बत के साथ जी रहे हैं, एक मोहब्बत के साथ मर जाएंगे। अब ये जिंदगी जैसा कि अर्ज कर चुका हूं दूसरों की निगाह में नामुनासिब सही, दूसरों की निगाह में गैर मनफियत बख्श सही, लेकिन
हर वो शख्स जो इस जिंदगी को गैर मनफात बख्श समझता है, वो अपने दिल की तन्हाई में महसूस कर रहा है कि मजलिस ने कहां तक इनको फायदा पहुंचाया है, और उसी तन्हाई में महसूस करते करते वालेहाना तरीके पर कभी वो अपने आप को भी पहुंचा देता है मजलिस में, और ये जानकर यहां से उठता है कि यकीनन मालूमात में इजाफा हुआ। यह और बात है कि उसकी असबियत, उस ताजा इजाफे को खालिस मजहबी जाने, यह और बात है कि उसके अहबाब का दायरा इस इफादे को अकीदा समझे। मगर जो कुछ भी हो, आप जानते हैं ना कि दर्सगाहों में कितना कीमती है तालीम का पाना, किस कदर तकलीफ दे है किताबों का मुहैया करना, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ आरा से हमकनार होना, और फिर इम्तिहान की फिक्र में किताबों को पढ़ना, और इम्तिहान के गुजरते ही फिर सब कुछ भूल जाना। ये अब तक तो यही दस्तूर रहा है दुनियावी दर्सगाहों का, मगर मजलिसों का आलम यह है कि मजलिस के बाद मजलिस, सिलसिले के बाद एक और सिलसिला, यह बतलाता है कि यहां किसी ऐसे इम्तिहान की तैयारी नहीं है जहां जाहिरी सनद मिलने वाली है, बल्कि यहां इंसान अपने आप को मुस्तैद करता जा रहा है, मुस्तैद करता जा रहा है, इस्तेदाद को पैदा करता जा रहा है कि कहीं गैब नजर आए। अब यह गुफ्तगू इतनी बुलंद है कि यह कैसे कहूं कि हर कसो नाकस के लिए मुश्किल हो जाएगा इस जुमले तक पहुंचना, इसलिए कि कोई मुंतजिर खड़ा है तो इस बात का इंतजार नहीं है कि वो कब आएगा, इस बात का इंतजार है कि इनमें इस्तेदाद का पैदा हो, उसको इंतजार है इस्तेदाद, और मजलिस मुस्तैद किए जा रही है, इस्तेदाद को बढ़ा रही है। इन्हीं मजलिसों में एक एक बच्चे को, एक एक जवान को, अपने भाइयों को, बहनों को, खवातीन को, बुजुर्गों को यह सुनाया जाता है कि अगर बुनियाद फिक्र दुरुस्त है, अगर बुनियाद फिक्र दुरुस्त है तो यकीन जान कि अंजाम फिक्र कामयाब है, और अगर नहीं, आगाज ही में तलवन है तो फिर इख्तिताम में यकीनन इस्तेराब, सिबात नहीं है। हम हयात दुनिया में भी सिबात चाहते हैं, आखिरत में भी सिबात चाहते हैं। साहिबान ईमान को खुदा सिबात देता है हयात दुनिया में भी और आखिरत में भी। यह सिबात बगैर तसलसुल फिक्र नहीं। अगर अकल से शुरू करते हो तो अकल ही पेश नजर है, और अगर नहीं, अहकाम से शुरू करते हो तो फिर अकल की मुदाखलत का है, अकल की मुदाखलत का है। गुफ्तगू जब यह है कि शरा में अकल का काम क्या है, तो फिर इस्लाम को फलसफे के अंदाज में पेश करने के माना क्या है, उसके लिए लफ्ज आइडियोलॉजी का पैदा करना और ढूंढना और उसको फलसफा ज़दा कर देना, यह कहां तक मुनासिब है। शराए की इल्लतें नहीं देखी जाती, नमाज के वजूहात नहीं बतलाए जाते, रोजे के फवायद पर गुफ्तगू नहीं की जाती, हज की इल्लतों को नहीं टटोला जाता, एक वजह के बाद दूसरी वजह पर गुफ्तगू इसलिए नहीं की जाती कि हम अपनी अकल से जितनी इल्लतें ढूंढेंगे कि इस वाजिब हुक्म की इल्लतें ये हैं, तो जैसे अकल तरक्की कर जाएगी इल्लतें बदल जाएंगी। इसलिए खुद आपने यह दावा किया था कि अकल से गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए।
जब ये पहले से तय करते हैं कि तअक्कुल शरा में नहीं है, तो फिर शरा को हुक्म के एतबार से लिया जाए, तो अब्बुद के एतबार से लिया जाए। कुरान ने वजाहत कर दी कि ऐ रसूल, ये नकियाल करें कि हमने समत कबला तिबला को बदल दिया, दरा हाले के हर तरफ हम हैं, मगर समत कबला को बदल दिया। क्यों? क्यों? सिर्फ ये जानने के लिए कि रसूल की पैरवी कौन करता है, रसूल की मुखालिफत कौन करता है। क्या कहना? अब आप अगर वजूहात देंगे कि काबे को किबला इन वजूहात के एतबार से बनाया है, तो कुरान उन वजूहात को तस्लीम करने के लिए तो तैयार नहीं है। तो अगर यह तय कर लिया जाए कि हम सिर्फ हुक्म पर गुफ्तगू करेंगे, तो किताब इतनी जखीम तो हो नहीं सकती। इस्लामी नजरिया हयात की, और जहां ताखुल पे गुफ्तगू छिड़ जाएगी, बहुत सी बातों में टकराव पैदा होगा, बहुत सा इख्तलाफ पैदा होगा। जाहिर है कि अकुल के मदारिज हैं, और उस ताखुल के साथ राहें अलग अलग हो जाएंगी। इससे बेहतर तो यह था कि कुछ इल्म देने के लिए, कुछ इफादियत का ख्याल करके, फायदा पहुंचाने के लिए यह तय कर लिया जाता कि 100 फिकही मसाइल अपने बच्चों को हम याद दिलाएंगे। इससे बेहतर तो यह था, इस फलसफा जदगी से बेहतर यह था कि 100 मसाइल फिका के याद दिलाए जाते, और इस शान से याद दिलाए जाते कि अल फिका अला मजाहिबिल खमसा, के 5 मकातीब फिकही के पास यह मसाला क्या है। नमाज के कुछ मसाइल आपने चुन लिए, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा, इमाम मालिक ने यह फरमाया, इमाम शाफी ने यह कहा, इमाम अहमद इब्न हंबल ने यह कहा, इमाम जाफर सादिक ने। अगर आप इत्तेहाद चाहते थे, तो इससे बेहतर और कौन सी सूरत हो सकती थी कि 100 फिकही मसाइल आप इस तरह से चुन लेते, और अगर आप पास नहीं है तो मैं किताब का हवाला दूं, ये अल खिलाफ एक किताब है, इसको याद रखिए, मोहम्मद इब्ने हसन तूसी, जिनका सने वफात 460 हिजरी है, उन्होंने ये किताब लिखी, उन्होंने 16,000 मसाइल लिखे हैं कि इमाम मालिक ने ये कहा, इमाम शाफी ने ये कहा, इमाम आजम ने ये कहा, इमाम अहमद इब्ने हंबल ने ये कहा, जाफर इब्ने मोहम्मद। अगर यह किताब यूनिवर्सिटी के किताब खाने में नहीं है, तो इस किताब को हासिल किया जाए, और उससे 100 मसाइल, कितनी खिदमत होती। यानी हर तालिबे न सिर्फ अपनी फिका से वाकिफ होता, उसको अपना जानकर, यह जानते हुए कि यह मेरी फिका, बल्कि और 4 मकातीब फिकी से वाकिफ होता कि ये मसला वहां ये है, वहां ये है, वहां ये है, वहां ये। और क्या अजब अगर जमाना कभी उसको काजी बना दे, तो वो 5 मकतब पर बैठकर कहता कि अगर तुम हनफी हो तो फतवा ये है, शाफी हो तो फतवा ये है, हम्बली हो तो फतवा ये है, मालिकी हो तो फतवा ये है। मगर कभी इस अंदाज से गौर नहीं किया। हम हमेशा अपने जहन 200 बरस की अंग्रेजों की गुलामी के बाद यही समझते रहे कि आजाद हो गए, मगर गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि इस्लामियात के मौजू के इंतखाब भी में गलती हो, और इतनी कश्मकश से दो चार होना पड़ा कि एक तो लिखने वाले नहीं मिले,
और जब लिखने वाले मिले तो उनको मुंतखब करना पड़ा एक ही मजमून में, 10 जुमले उनके लिए, 5 जुमले इनके लिए, 1-2 पैराग्राफ इनसे मांगे। नतीजा ये हुआ कि हर मजमून गैर मुसलसल तालीफ का एक शाहकार बन गया और फिक्र गैर मजबूत हो गई। अगर फिक्री मसाइल याद दिलाए जाते तो उसमें खतरा तो नहीं था, घबराने की बात नहीं थी, लड़ाई झगड़े के किस्से नहीं थे। हनफी फिका ये है, मालिकी फिका ये है, शाफई फिका ये है, हम्बली फिका ये है, शीई नुक्ते नजर ये, का वो मसा का मसला हो या नमाज में हाथ खोलने की बातें हो या बंद करने की गुफ्तगू हो या रोजे के अहकाम हो या ज़कात की गुफ्तगू हो, सबको मालूम हो जाता कि फर्क कहाँ है और याद रखते सब। और इजाफा होता फकत इम्तिहान के लिए नहीं, इम्तिहान के बाद भी मजबूरन बच्चे किताब के सफहात को उलटते, इसलिए कि अमली दुनिया में इन मसाइल की जरूरत थी। फकत बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चों के माँ बाप भी पढ़ते। आपने इस इबादियत का ख्याल नहीं किया। और यह गुफ्तगू हम ही कर सकते थे, इसलिए कि मसाइल को पेश करते हुए कभी खतरा हमने महसूस नहीं किया, कभी कोई खौफ हमने महसूस नहीं किया कि इसमें ये खौफ है, इसमें ये खतर है, कुछ कुछ नहीं, इसलिए कि उन दामनों से वाबस्तगी है कि जो कमाल खुर्ब पर, कमाल तकर्रुब पर, जिनका आलम यह है अल्लाह इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये दोस्तान खुदा है, न खौफ है न हुज़्न है, न खौफ है न हुज़्न है। तो उस तकर्रुब पर कि जहां इंसान ये महसूस करता है कि दिली हमदर्दी के साथ उन कामिल इंसानों ने हकीकत दीन को, हकीकत मजहब को समझाने की कोशिश की और फिक्र को मरबूत रखा, मरबूत रखा। अगर यह कहा कि यह शरीयत है तो यह कहा कि कुल्लमा हकम बिल शरा हकम बिल अक्ल व कुल्लमा हकम बिल अक्ल हकम बिल शरा, यह फरमाया कि जिसका शरीयत ने हुक्म दिया उसी का अक्ल ने हुक्म दिया, जिसका अक्ल ने हुक्म दिया उसी का शरीयत ने हुक्म दिया, इसलिए कि शारे मुकद्दस अक्ल अव्वल है। अब यह हर दो सफे के बाद एक एतज़ार कि हम अकल से इल्लतों को नहीं ढूंढ सकते, हम अकल से इन बातों को नहीं पहचान सकते, यह अहकाम। और फिर जहां फलसफे की जरूरत पड़ी, अकल ही अकल है, मुख्तलिफ दलाइल दिए जा रहे हैं कि रोजा इसलिए अच्छा है, नमाज इसलिए अच्छी है, ज़कात इसलिए देना जरूरी है, अब अकल पे बहस छिड़ गई। तो ये दो अमली सारी किताबों में हमने देखी है इस्लामियात के नाम से कि कभी अकल है कभी शरीयत, कभी अकल है कभी शरीयत, और इसलिए बड़ी परेशानी हमने महसूस की। और एक मरतबा जब यह कह दिया कि हुस्न खुब है अशिया शरई है अकली नहीं है, जब आपने ये कह दिया कि अशिया का अच्छा होना या बुरा होना अकली नहीं है शरई है, तो फिर इतने जकीन किताब की जरूरत ही नहीं होती है, अहकाम शरई है वह अकल का दखल ही नहीं। और अगर हुस्न खुब है अशिया अकली है तो फिर एक बुनियादी मसला खत्म हो जाता है, एक बुनियादी मसला खत्म हो जाता है कि अकल कहती है कि जुल्म बुरा है, अकल कहती है कि चोरी बुरी है, अकल कहती है कि झूठ बुरी बात है, अकल कहती है कि चोली खाना बुरा अमल है, अकल कहती है कि गैबत बुरा काम है, अकल कहती है कि अफजल के होते हुए मफजूल का दामन थामना बुरा है। फकत इस एक जुमले से बचने के लिए कह दिया हुस्न खुबे अशिया अकली नहीं है, अकली नहीं है, जो शरा राह बतला दे, जो शरा राह बतला दे। तो अब ऐसी सूरत में आलिम के होते हुए
किसी कम दर्जा आलिम के पास जाना, फकीह के होते हुए किसी कम दर्जा फकीह के पास जाना, आरिफ के होते हुए किसी गैर आरिफ की खिदमत करना मुस्तहसन नहीं है अकलन। मगर जब यह कहा कि नहीं, यह अकल का काम ही क्या, तो फिर हम यह कहते हैं कि जब अकल का काम ही नहीं है तो इसी मसले को लेके चलिए इंतहा तक कि यह अकल के तौजीहात नहीं है, अकल तौजीहात नहीं देती। अजीब बात है कि इंसान या अकल का पाबंद रहे तो अड़ जाए और यही समझ कर जाए कि जो अकल है वही कुरान, जो अकल है वही हदीस, और अगर नहीं तो फिर दोनों को अलग कर दें, दोनों को अलग कर दें। हमारी हद तक हम शायद अपने मौकफ को ज्यादा वाज़ह कर दें, जैसा कि अभी हमने कहा कि खत्मी मर्तबत ने जो कुछ कहा वो ऐन ताकुल, और कुरान का जो कुछ इरशाद है वो हकीकत अकल है। यह और बात कि हम वजह न दे सकें, मुमकिन है कि अभी अकल उस मंजिल तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुई हो, शायद कभी पर्दे उड़ जाएं, शायद कभी अकल पहचान ले। तो बहर सूरत जब यह तय पा गया कि अभी अकल उन मदारिस तक नहीं पहुंच सकी है, तो ऐसे मौके पर यही तय किया जाए कि कुरान फैसला करे, कुरान फैसला करे, कुरान अपने फैसले को सुनाए और कुरान बतलाए कि इंसान जो सबसे ज्यादा मुतासिर होता है अदब, जिससे गुफ्तगु शुरू हुई, अदब में जो सबसे ज्यादा मुतासिर होता है फलसफे से, हकीमाना अकवाल से, अरस्तु की गुफ्तगु से, अफलातून के मुकालमात से, आखिर कैसे नहीं नहीं, याद रखिए इंसान मुतासिर होता है अफराद से, अफराद की मोहब्बत से, और इसके सिवा तासुर का कोई मकाम नहीं है। बेटा बाप से मुतासिर है, शागिर उस्ताद से मुतासिर है, महकूम हाकिम से मुतासिर है, रियाया अपने वली या नियामत से मुतासिर है, छोटा बड़े से मुतासिर है, लड़की मां से मुतासिर है। इसको प्रेस्टिज सजेशन कहेंगे, तासीर तफव्वो, फौक से असर पड़ा। और अगर फौक में नेकी हो, मारिफत हो, अकल हो, अच्छी बातें उसमें जमा हो गई हो, और फौक से मोहब्बत हो, तो हर कदम पर नेकी है और हर कदम पर इंसान के लिए इस्लाह। इसलिए आपको ताज्जुब होगा कि वो माँ बाप जो मुमकिन है अपनी कुछ कोताहियों में मुब्तला हो, फिर भी उस मोहब्बत की वजह जो बच्चों से, उनके दिल के गोशे में यह तमन्ना कि हमारी जैसी भी गुजरे ये बच्चे कामयाब हो, कामराम हो, कामिल हो, अच्छे रहे, और वो राह इख्तियार करें जो राह मुनासिब। बाप की तमन्ना यही होगी, मां की तमन्ना यही होगी, और हजार दुआओं की एक दुआ मां बाप ही की तरफ से बच्चे के लिए आती है, कोई और उनसे बेहतर दुआ करने वाला नहीं होता। खालिक का करम और उसकी रहमत और उसके बाद मां बाप का सहारा। ताज्जुब है कि कुरान मजीद ने जहां तौहीद इलाही का तस्करा किया, और जब चाहा कि मां बाप का तस्करा हो तो मालिक ने फौरन अपने जिक्र के बाद मां बाप का जिक्र किया। वो अज़ा रब का अल्लाह ताबुदू इल्ला, ये तेरे रब का फैसला है कि सिवा उसके किसी और की इबादत न की जाए, वह बिल वालिदैन एहसान, और मां बाप के साथ नहीं की जाए। ये मकाम दिया गया मां बाप को उस करीम अलल इतलाक में, ये जानकर कि मां बाप मेरी सिफत खिलकत का मजहर है,
میری صفت خلاقیت کا مظہر ہے, اس لیے وہ مقام عطا کیا. کیا کہا؟ خبردار, لا تقل اف لہما, ماں باپ کو اف نہ کہنا. اف, یہ قرآن مجید میں خاص طور پر یہ لفظ آیا ہے, الف. ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں تمہارے گھر میں بوڑھے ہو جائیں اور ضعیفی آ جائے تو لا تقل اف لہما ولا تنہرہما, ان کو جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا معروفا, ماں باپ سے جب باتیں کرو ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, نیکی کے ساتھ, معروف کے ساتھ, اور پھر وقفز لہما, بوڑھے ہو جائیں اور ضعیفی آ جائے تو لا تقل اف لہما ولا تنہرہما, ان کو جھڑکنا نہیں. وقل لہما قولا معروفا, ماں باپ سے جب باتیں کرو ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, نیکی کے ساتھ, معروف کے ساتھ, اور پھر وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ, اور جب سامنے کھڑے ہو جاؤ تو تواضع کا نمونہ بن جاؤ ماں باپ کے ساتھ. اپنی بے مائگی, اپنے تذلل کا اظہار کرو, اپنے شانوں کو جھکا دو اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگار میرے ماں باپ پہ رحم فرما, اس لیے رحم فرما کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری ربوبیت کی ہے, میری تربیت کی ہے, مجھے پالا ہے, میری حفاظت کی ہے. میں سوتا تھا, ماں جاگتی تھی. میں اگر بیماری میں مبتلا ہوتا تھا, ماں باپ تڑپ جاتے تھے. میرے لیے دنیا کی رحمتیں میرے ماں باپ نے اٹھائی ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگار ان پہ رحم کر جیسا ان دونوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. کئی مرتبہ تذکرہ ہے, عیسیٰ کو حکم ہوا, عیسیٰ نے کہا مجھے وصیت کی میرے معبود نے کہ برن والدتی, میں اپنے والدہ کے ساتھ نیک عمل رکھوں. نبی اولو العزم حضرت یحییٰ کے لیے حکم ہوا کہ یحییٰ اپنے والدین کا خاص خیال رکھنا. حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولی والدیا, پروردگار مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے. اب وہ ماں باپ ابراہیم کے کافر تھے یا مومن تھے یہ نہیں معلوم, رب اغفر لی ولی والدیا, پروردگار مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو بخش دے. یہ قرآن ہے, تاریخ نہیں ہے. اب یا تو قرآن کو لفظاً لفظاً مانو, اگر سلسلہ فکر ہے, اور اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ عین تعقل ہے قرآن, تو ظاہر ہے کہ اللہ کے بعد جو درجہ طے کیا گیا ہے وہ ماں باپ کا درجہ ہے. یہ عقل ہے, ماں باپ نے زحمتیں اٹھائی ہیں, ماں باپ نے تربیت کی ہے, ماں باپ نے پرورش کی ہے, ماں باپ کی دعائیں ساتھ رہی ہیں. ماں باپ برے بھی ہو, تمنا یہی تھی کہ میرا بچہ اچھا ہو. انبیاء دعا کرتے تھے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش, اور پھر ایسی منزل. اگر انسان اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے, اور اگر انسان کا مرکز بحیثیت اسلام محمد عربی ہے, بحیثیت مسلم کے اگر مرکز محبت خاتم النبی جی, تو اسی کتاب میں اسلامی نظریہ حیات میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم رسول سے مربوط ہیں, یا ایمان کی وجہ سے, یا اطاعت کی وجہ سے, یا اتباع کی وجہ سے, یا محبت کی وجہ سے.
ईमान इताअत इत्तेबा मोहब्बत, और मोहब्बत रसूल से कितनी चाहिए इसी किताब में लिख दिया गया। इतनी मोहब्बत चाहिए कि कुल इन काना बाओकुम व अबनाओकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिन अल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिह। अगर तुम्हारे माँ बाप की मोहब्बत, अगर तुम्हारी औलाद की मोहब्बत, अगर तुम्हारे अज़वाज की मोहब्बत, अगर तुम्हारे ज़मीनों की मोहब्बत, तुम्हारे तिजारतों की मोहब्बत, तुम्हारे रहे हुए घरों की मोहब्बत, अगर ये मोहब्बतें अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ जाए, रसूल की मोहब्बत से बढ़ जाए, या जहाद हक की मोहब्बत से बढ़ जाए, ठहरो, अम्र खुदा आने वाला है ताकि तुम जान लो कि तुमने क्या किया। अब आपने सुन लिया कि मोहब्बत कितनी हो रसूल से, कि अपने बच्चों को इतना ना चाहो जितना रसूल को चाहते हो, अपने माँ बाप को इतना नहीं चाहो जितना रसूल को चाहना चाहिए, अजवाज से वो मोहब्बत ना हो, मसाकिन से वो मोहब्बत ना हो, तिजारतों से वो मोहब्बत ना हो, ज़िराअतों से वो मोहब्बत ना हो, यानी रसूल की मोहब्बत डोमिनेट करे। तो अपने माँ बाप के लिए रहमत तलब होने वाले, क्या मोहब्बत रसूल की मंजिल का ये तकाजा नहीं है कि रसूल के माँ बाप के लिए मुसलमान रहमत तलब हो? कभी आपने उनके लिए भी रहमत तलब की? अगर मोहब्बत नहीं है रसूल से, ईमान नहीं, और अगर मोहब्बत है तो शर्त यह है कि तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत हो रसूल से, और अगर है इतनी मोहब्बत तो अपने माँ बाप के लिए कहने वाले रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कभी हजरत अब्दुल्लाह के लिए भी दुआ की? कभी हजरत आमिना के लिए भी दुआ की? मैं अबू तालिब की गुफ्तगु नहीं कर रहा हूं, कभी अब्दुल्लाह के लिए दुआ की, कभी आमिना के लिए दुआ की, अल्लाह इन दोनों पर रहमत नाजिल कर, रहमत नाजिल। और मोहब्बत का कमाल अगर रसूल से ये है कि वो दोनों काफिर थे, तो जो रसूल के माँ बाप को काफिर बन जाए वो अपने माँ बाप को कब मोमिन समझता है? क्या हक है उसको अपने माँ बाप को मोमिन समझने का? एक तरफ तो ये खुद लिखा जाता है कि हम चार तरीकों से रसूल से मरबूत, या ईमान, या इताअत, या इत्तेबा है, या फिर मोहब्बत। ईमान इसलिए कि अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ। इताअत इसलिए कि मैं युतई रसूल फकत अता अल्लाह। इत्तेबा इसलिए कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। मोहब्बत इसलिए कि यह सूरह तौबा की आयत, कि अगर माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, अजवाज की मोहब्बत, मसाकिन की मोहब्बत, ज़िराअतों की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत से बढ़ जाए, अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ जाए, जिहाद फी सबीलिल्लाह की मोहब्बत से बढ़ जाए, ठहरो ठहरो मौत आ रही है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिह। तो अगर मोहब्बत है तो क्या मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम्हारे लिए तो यह हुक्म मिले कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप को तो बख्श, मेरे माँ बाप पे रहम फरमा। कभी दिल की तन्हाई में ये नहीं सोचा कि आपके माँ बाप तो मासूम नहीं थे, मालूम नहीं कैसे कैसे गुनाह सरजद हुए होंगे, मगर किसी के सामने, साहिब गैरत के सामने अगर किसी के माँ बाप के गुनाहों को गिनवाया जाए तो रहेगी फिर दोस्ती? रहेगी दोस्ती कि आपके बाप तो ऐसे थे, बाप मर गए, फकत रसूल ही रह गए? इस तसव्वुर के लिए ये लिखा जाए कि रावी ने कहा कि मेरे बाप के मुतालिक क्या है, तो आपने फरमाया तेरा बाप भी जहन्नम में, मेरा बाप भी जहन्नम में। ये मजलिस का अदब नहीं है, मुख्तसर ही है।
मजलिस ने कुछ और अदब हमको सिखलाया है। ये मजलिस की तरबियत नहीं, ये तरबियत कुछ और है। तो रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये अखलाक है। अखलाक का एक मुस्तकिल चैप्टर है इस्लामी नजरिया हयात में। क्या हो गया अखलाक को मुसलमान के भाई? उसी अखलाक के साथ ये बतलाया जाए ना कि अंबिया का एक सिलसिला है, उस सिलसिले में कौन आए? अगर कुरान फैसला कर दे तो सूरह अनाम। मेरी फिक्र के साथ चलिए, मैं आयतें पढ़ रहा हूं। इरशाद हुआ वहबना लहू इसहाका व याकूब व कुल्लन हदैना, हमने इब्राहिम को इसहाक भी अता किया और याकूब भी, और उन सब की हमने हिदायत की। आयत यूं शुरू होती है, तिलका हुज्जतना आतैना हा इब्राहिम अला कौमिही नरफउ दरजातिम मन नशा इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। ये वो इस्तेदलाल है कि जिस इस्तेदलाल को हमने इब्राहिम को अता किया था ताकि वो अपने दुश्मनों के सामने बयान करे, और इल्म में हम जिसके दर्जे को चाहे बढ़ा देते हैं। वो वहबना लहू इसहाका व याकूबा, हमने इब्राहिम को दो बेटे दिए, बेटा या पोता दिया, एक इसहाक एक याकूब, और उनकी हिदायत की। वो हदैना व नूहन हदैना मिन कबल, और इससे पहले हम नूह की हिदायत कर चुके थे, इससे पहले हम नूह की हिदायत कर चुके थे, और उसके बाद अब अंबिया के मुसलसल नाम लिए गए। और यह कहा गया कि अय्यूब, सुलेमान, दाऊद, यूसुफ, मूसा, हारून, इन सब की हमने हिदायत की। व कजा लेकर नजिल मोहसिन, और उसके बाद व जकरिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लुम मिन अस्सालिहीन व इस्माइला व यसा व यूनुसा व लूतन कुल्लन फज़ल्ला अला अलआलमीन। इस्माइल, अलियसा, यूनुस, लूत, हमने सबको आलमीन पर फजीलत दी। अब ये आयत सुनाना चाहता हूं। व मिन आबाए व ज़ुर्रियात व इख्वानहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, हमने इनके आबा को, इनकी औलाद को, इनके भाइयों को मुजतबा किया और सिरात मुस्तकीम की हिदायत। मिल्लत मुस्लिमा, यह सूरह अनाम की आयत है। सूरह अनाम कलाम मजीद का छठा सूरह है। यानी दाऊद, अय्यूब, याकूब, यूसुफ, मूसा, हारून, जकरिया, यहया, ईसा, इलियास, इस्माइल, ज़िलकिफ़ल, यूनुस, लूत, यूनुस, याकूब, इसहाक, याकूब, नूह, इन सब के आबा मुजतबा। वमिन आबाएहिम वज़ुर्रियातिहिम वज्तबैनाहुम, हमने उनको मुजतबा बनाया। तो आबाए अंबिया मुजतबा, खुदा के लिए अपने ईमान को जरा सी दौलत फिक्र से आरास्ता कीजिए और उसमें थोड़ी सी तरक्की अता करने की कोशिश कीजिए। हम दौरे खातम में हैं, हम उम्मते याकूब में नहीं हैं, हम उम्मते नूह में नहीं हैं। वमिन आबाएहिम वज़ुर्रियातिहिम वइख्वानिहिम, नहीं, भाई को भी, जुर्रियत को भी, बाप को मुजतबा बनाया हर नबी के। और खत्मी मर्तबत की गुफ्तगू आए तो यह हैरानी, ताज्जुब होता है, ताज्जुब होता है। यह अब्दुल्लाह का बेटा है, नाम ही अब्दुल्लाह है। अब्दुल्लाह का बेटा है, नाम ही अब्दुल्लाह है, और
इब्राहिम को जब इमामत अता हुई तो इब्राहिम ने कहा वमिन ज़ुर्रियती, क्या मेरी ज़ुर्रियत में इमामत जाएगी? قال لا ينال عهد الظالمين, आवाज आई के इमामत ज़ालिम के पास नहीं जाएगी। तो पता चला कि ज़ुर्रियत इब्राहिम में एक तबका ऐसा गुजर रहा था जो अदल के साथ इमामत की हिफाजत करता जा रहा। वहां अब्दुल हाशिम भी थे, वहां अब्दुल मुत्तलिब भी थे, अब्दुल्लाह भी थे। यही वजह थी कि जब लोगों ने इमराउल कैस की तारीफ की कि लामिया इमराउल कैस बहुत गौर के काबिल है। लामिया यानी वो कसीदा के जिसके कवाफी लाम पे कतल, या फिर रदीफ लाम, जिस जैसी जिसकी शर्त। चुनाचे लामिया इमराउल कैस हिंदुस्तान में भी, अगर उर्दू अदब का आपको शौक है, सौदा का मशहूर लामिया कसीदा, उड़ गया बहमन तय का चमनिस्तान से अमल, तेरे उर्दी ने किया फसल खिजा मुस्तासल, या उर्फी का लामिया के चेहरा पर्दा से जहां रक्त कशत चू बहामल, शब शवद नीम रुखो रोज शवद मुस्तकबल, या अली हैदर तबा तबाही का लामिया, उदी उदी ये घटाएं है के लैली के लयल, बन गई या शबे दैजूर सिमट कर बादल। इसी तरह से जुरैर का लामिया, अख्तल का लामिया, इमराउल कैस का, इमराउल कैस का ये कसीदा इलामिया खाने काबा पर लटका दिया गया था। पहला शेर ये था, किफा नक मिन जिक्रा हबीब व मंजिली بسخت اللواء بين الدقول وهوملي। आओ ठहरो, तुम दोनों ठहरो, तस्निया का से आकिफा ठहरो, वक्फ करो, हम सब मिलके रोएं, मंजिल को याद करके रोएं, हबीब को याद करके। दकूल ओ हौमल के पास, सिख्त लिवा के पास आए, ये सब मंजिलें हैं, और वहां हबीब ओ मंजिल को याद करके रोएं। तुम हरमियों की मेंगनियों को उन मकानों के सहनों में देखोगे, उन मकानों की वादियों में देखोगे, गोया वो हब्बे फिलफिल है। यह मुकज़रमी अदब है। ये लामिया इमराउल कैस, लोगों ने कहा अबू तालेब, इमराउल कैस ने कसीदा बहुत ही अजीब कहा, तो बेख्तियार कसीदे को शुरू किया, और लामिया कसीदा था, और लामिया कसीदा था, कसीदे में कज़्द किया। इमराउल कैस ने कज़्द किया अपनी शुजात का, अपनी हैवानियत का, अपनी शहवानियत का, अपनी बदवी जिंदगी का। अबू तालिब ने कज़्द किया मोहम्मद और अली का। और यह वो कसीदा है कि तारीख में महफूज है, यह अकीदा नहीं है। और इस कसीदे में बेख्तियार कहा, खलीलैया मा उजनी, खलीलैया मा उजनी ले अव्वल गायली ले सिगवाए फी हक्किन वलाओ इंदा बातली। आए मेरे दो दोस्तों, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं अपने सामने को, मैं अपनी कुव्वत समाअत को तुम्हारी बातिल बातों के लिए वक्फ कर दूं। मैं सिर्फ हक की आवाजों को सुनने का आदि हूं। ले सिगवाए फी हक्किन, मैं हक की बातों को सुनने का आदि हूं, मैं बातिल को नहीं सुना करता। यह मतला दिया इमराउल कैस का, वो मतला है कि आओ बैठ के हबीब व मंजिल को याद करके रोएं। अबू तालिब का मतला यह है कि मैं जो आवाजें सुन रहा हूं वो हक की आवाजें सुन रहा हूं, मेरे कान तुम्हारे बातिल की फरियादों के लिए नहीं है। और उसके बाद एक मरतबा कज़्द किया तो कहा, आलम तालमु तुमको मालूम नहीं है हमारा बच्चा झूठा नहीं है,
लदाइना, हम अपने बच्चे की न तकजीब करते हैं न हमारा बच्चा झूठा है। और अगर कोई बातिल परस्त मोहम्मद के खिलाफ कोई बातें करे लाना बाप, हमको कोई परवाह नहीं है। जो ये कह दे कि हम मोहम्मद की तकजीब नहीं करते हैं उसके ईमान पर गुफ्तगु हो रही है। मोहम्मद वो है कि जिसके चेहरे का वास्ता देकर कहत ज़दा बस्तियों में जहां बारिश नहीं होती अब्र को बुलाया जाता है। यतीमों की परवरिश करने वाला, बेवों का ख्याल रखने वाला, असीरों को पनाह देने वाला, वही मेरा भतीजा है। वब्यज़ युस्तस्क़ल ग़िमाम अले वजहही। ये तारीख का एक वाक़िया सुन लीजिए। जब ख़त्मी मर्तबा दुनिया से जा रहे थे तो पेशानी पर काफी पसीना आ चुका था। जहरा के जानू पर बाप का सर था तो बेटी ने अपने आस्तीन से पेशानी से पसीने को के कतरों को पोंछते हुए कहा, वाब्यज़ युस्तस्क़ल ग़िमाम अले वजहही सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिली। उसी हालत में आंखें खोली, का जहरा मेरे चचा का शेर है ना, जहरा मेरे चचा का शेर है ना। दर्शन दर्शन ये कसीदा पढ़ाया गया है मदीने में बनी हाशिम। और उसके बाद अबू तालिब ने कहा, वो वज़ान सिद्क़िन ला यक़ीफ़ शईरतन व मीज़ान अदलिन वज़नहु ग़ैरु ग़ालिन। ये वजन करने वाला है, ये वजन करने वाला है सदाकत का, तोलने वाला है सदाकत का, कि जहां जर्रा बराबर तोल में कमी व बेशी नहीं होती। और ये अदल का तराजू है मोहम्मद, कि जिसके फलों में फर्क नहीं है, जिसके वजन में कभी धोखा नहीं है कि कौन किस तरह से तुलता है। यहां आके देखो। और उसके बाद यलूज़ बिल हुल्लाक मिन औल हाशमी फहुम इंदहु फी निअमतिन व फवाज़िली। ये है कमाल शराफत अबू तालिब। मैं शेर के माने करना चाहता हूं, यलूज़ बिल हुल्लाक मिन औल हाशमी, हाशिम की औलाद मोहम्मद का सहारा ढूंढती है और हाशिम की औलाद मोहम्मद की वजह से नेमतों को पा रही है। दुनिया कहती थी मोहम्मद अबू तालिब के ज़ेरे साया है। यह है कमाल शराफत अबू तालिब। दुनिया कहती थी अबू तालिब पाल रहे हैं मोहम्मद को, अबू तालिब कह रहे मैं पल रहा हूं मोहम्मद की वजह से। और हम उसकी मदद करेंगे, इस कदर मदद करेंगे, नज़हलु मिन अबनाइना व हलाइली, के उसके अतराफ हमारी लाशें तड़पती हुई नजर आएंगी। ये अबू तालिब के कसीदे का शेर है। जंगे बदर में अबू तालिब न थे। अबू तालिब का इंतकाल कब हुआ है? हिजरत से एक साल पहले। जंगे बदर हिजरत के दो साल बाद। जंगे बदर में जब उबैदा जख्मी हुए और जब उबैदा के पाओं को तकलीफ हुई और इनकी उनका पूरा पाओ काट डाला गया और रमक जान बाकी थी, तो अली और हमजा उबैदत इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को उठाकर पैगंबर के सामने लाए। पैगंबर के चचाजाद भाई हैं। भाई ने भाई को देखा, पैगंबर की आंखों में आंसू आए, उबैदा ने मुस्कुराया, उबैदा ने मुस्कुरा दिया। रसूल ने कहा मुस्कुराते हो? कहा हां। अबू तालिब याद आए।
अबू तालिब याद आए, पैगंबर ने पूछा कैसे, का ये शेर उनका, वो ननसुरहू हत्ता नुसरा हौलहू, इतनी मदद करेंगे कि हमारी लाशें उनके गिर तड़पेंगी, इतनी मदद करेंगे कि हमारी लाशें उनके गिर्द तड़पेंगी और हमारे अबरुओं पर बल नहीं आएगा। हमको डराते हो? आपने देखा अकेले अकेले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और अबू तालिब का ये ऐलान कसीदे में कि हम अपनी जानें दे देंगे इस सदाकत के लिए, मगर दुनिया अभी तक इसी मंजिल पर है, इसी मंजिल पे है कि मुसलमान थे कि न थे। बहरहाल मैं कतनी मर्तबत के लिए कह सकता हूँ, अली के लिए मुझे इतना ज्यादा हक भी नहीं पहुँचता कि मैं ये कहूँ कि अली के वालिदैन के मुतालिक क्या ख्याल है। वालिदा को तो दुनिया जानती है, फातिमा बिनत असद को कतनी मर्तबत माँ कहते थे और हालत इस्लाम में इंतकाल हुआ, दुनिया ने तय कर लिया। अबू तालिब के लिए थोड़ी सी परेशानी है, मगर जो शख्स अब्दुल मुत्तलिब के दीन को जानता है वो अबू तालिब के दीन को जानता है। मैंने एक इशारा किया, मेरे पास अब इतना वक्त नहीं है, मैंने आज थोड़ा सा वक्त लिया, एक तमहीद थी, एक तफसील थी, एक मसले तक पहुंचना था, कुछ मसला कल तक ना रह गया था, और बाद हलकों में शायद ये सोचा जा रहा होगा कि खास अकीदे की तबलीग के लिए यह तकरीर वक्फी नहीं, फकत अकीदा नहीं है, बुनियादी मसला है, बुनियादी मसला है आबाए अंबिया की का ईमान, आबाए अंबिया का ईमान, जिनके आगोश में अंबिया की तरबियत हुई है। इस पर कभी फिर गौर करेंगे। बहरहाल वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ नेकी करो, और फिर मोहम्मद के माँ बाप, फिर मोहम्मद के माँ बाप, हमेशा याद रखिए कि बुजुर्गी, इसमें कोई शक नहीं कि खानदान से आती है और इंसान खानदान पे नाज करता है। और ये जो कहा जाता है कि करामत वही है कि जहां बाप दादा का तस्करा ना हो, तो ये भी सही, ये भी सही है, मगर वहां सही है जहां बाप दादा काबिल जिक्र ना हो। जहां बाप दादा काबिल जिक्र ना हो और जहां कुरान बाप दादा का तस्करा करे, तो ये इब्राहिम की औलाद है, ये इस्माइल की औलाद, ये इसहाक की औलाद, ये याकूब की औलाद, ये नूह की औलाद। क्यों? क्यों? सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बतलाया जा रहा है कि दुनिया जान ले कि इस घराने की तरबियत क्या होगी, इस घराने के असरात क्या होंगे। हमेशा ये निस्बतें इसीलिए दी जाती हैं कि इंसान को अंदाजा हो, इंसान को अंदाजा हो कि किस करामत के साथ, किस शराफत के साथ, किस बुजुर्गी के साथ ये ऐलान हो रहा है। और फिर जैसा कि आपको मालूम है कि फकत यही नहीं कि इब्राहिम की औलाद है, इस्माइल की औलाद है, खुद इब्राहिम बानी मक्का है, बुनियाद काबा इब्राहिम ने रखी है, बिनाए जमजम इस्माइल ने डाली है, सफा और मरवा की सही हाजरा की काविश है, और मकाम इब्राहिम है। आपने देखा ये बाप बेटों के निशाने कदम काबे की जीनत बनी, और फिर सारे मुसलमानों को जी इस्तेताअत मुसलमानों को हज की दावत दी गई, कजा के देखो, देखो मुसल्ला इब्राहिम को, देखो इस्माइल का निशान, देखो हाजरा की काविशों को, देखो और देखो कि हकीकत काबा क्या है, हकीकत जमजम क्या है, हकीकत सफा क्या है, हकीकत मरवा क्या है। मैं समझता हूं कि गुफ्तगू इस मंजिल पर पहुंच रही है कि जहां जरा सा आप आजाद होकर, इंडिपेंडेंट होकर अब सोचें, वक्त नहीं है। यानी अगर कोई ये कहे कि मैं इब्राहिम का बेटा हूं,
आप समझ जाएं। और अगर कोई ये कहे मैं मक्का और मीना का बेटा हूं तो आप कुछ समझ सकेंगे? जान लेंगे आप, जान लेंगे कि अगर फरजंद इब्राहिम ये कहे कि मैं मक्का और मीना का बेटा हूं तो उसके माना ये कि हकीकत इब्राहिमी ही मक्का है, हकीकत मोहम्मदी ही खाने काबा है, हकीकत रिसालत ही खाने है, और यही वो मंजिल है कि जहां नाज किया गया और बजा नाज था जो हाल अरब में किसी की वजह न थी कि शाम के दरबार में एतराज करता। भरे हुए दरबार आबिद बीमार ने इतना पूछा, क्यों यजीद मुझे इजाजत है कि मैं इन लकड़ियों पर चढ़ जाऊं? अल्लाह हाजहिल आवाज मिंबर नहीं कहा, तेरे घर में लकड़ियों का ढेर है, मेरे घर में मिंबर है, क्या मैं इन लकड़ियों पर चढ़ जाऊं? उसने कहा इस वक्त कोई महल नहीं। अहले दरबार ने कहा हम दमिश्क के रहने वाले, बड़ी दूर रहे मदीने से, इस घर की आवाज हमने नहीं सुनी, और फिर सुनते हैं कि ये अली का पोता है, दादा की जबान जानता है, यजीद कैदी है, ये बीमार सलासिल में गिरफ्तार है, ये क्या मुखालिफत करेगा मिंबर पे जाके? इजाजत दे दे। यजीद ने फिर कुछ सोचना शुरू किया, अहले दरबार ने जबर किया शिद्दत के, नहीं यजीद इजाजत दे दे। उसने कहा अच्छा जाओ हमारे शायान शाह कलाम जंजीरों को थामे। आबिद बीमार आहिस्ता आहिस्ता मिंबर के करीब आए। ये पहला खतीब है आले मोहम्मद में के जो जंजीरें पहन के मिंबर पे जा रहा है। अगर तारीख इस्लाम में कोई और भी आपकी निगाह में है तो हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि किसी ने खुतबा दिया हो। खुतबा क्या है? पॉलिसी का ऐलान है। पॉलिसी कौन डिक्लेयर करता है, फातेह या मफ्तू? फातेह या मफ्तू, पॉलिसी कौन डिक्लेयर करता है, खुतबा कौन देता है? फातेह देता। अजीब फातेह के गले में तौक है, पांव में बेड़ियां हैं, बेड़ियों को संभालते हुए आबिद बीमार सीढ़ियां चढ़ते हुए अर्शे मिंबर पर आओ और उस आलम में कहो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू किया जाता है नाम से अल्लाह के जो रहमान और रहीम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ सदावार है आलमीन के रब के लिए। कोई और घराना होता मुर्तद हो जाता, इतनी मुसीबतें पड़ने के बाद कोई कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन? घर खत्म हो जाए कर्बला में, अजीज कत्ल हो जाए फुरात के किनारे, मां फूफी बहने असीर हो दरबदर और खुद जंजीरों का पहने हुए कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ सदाबहार है आलमीन के रब के लिए। वस्सलातु वस्सलाम अला जद्दी सैयदिल मुर्सलीन, और दुरूद सलाम मेरे जद पर। है किसी की मजान, किसी इमाम फिका, किसी इमाम कलाम, किसी इमाम तफसीर ने यह कहा है वस्सलातु वस्सलाम अला जद्दी? किसी ने कहा है दुरूद सलाम मेरे जद पर, मेरे जद पर जो सैयद मुरसली? इसी जुमले पर दरबार में रोने का गुल। जद कहता है
जिसका नाम कलेमे में है उसको जब कहता है, शाम के दरबार में किसी की मजाल नहीं है जो ये कहे कि नहीं वो तुम्हारे जद नहीं थे। है किसी की मजाल या इफ्तिखार? इमामत का इफ्तिखार है रिसालत। आबिद बीमार ने फख्र किया है कि दुरूद सलाम मेरे जद पर। सैयदुल मुरसलीन والصلاه والسلام على جدي سيد المرسلين من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا اعرفه جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے جو نہیں پہچانتا ہے میں پہچانواؤں گا انا ابن مکہ و منا میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں یہ ادب خاندان رسالت ہے یہ علم امامت ہے यहाँ हकीकतें खींच गई। इब्राहिम कौन है?